हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी आप लोगों के सामने रहने वाली हो रही है ब्रेजा 2023 मॉडल, लेटेस्ट ब्रेजा जस्ट भैया शोरूम से लेके आए हैं आप देखोगे तो, और हमारे पास आ चुके हैं काम करवाने के लिए। गाड़ी भैया बेस में रहने वाली है सीएनजी के अंदर, आप देखो तो वहाँ पे सीएनजी का कोई स्टिकर मिल जाएगा गाड़ी, लेकिन अब बेस नहीं रही, गाड़ी बेस टू टॉप हो चुकी है। मैं थोड़ा डिले रह गया वीडियो बनाने में, लेकिन गाड़ी लगभग सारा काम जो है कंप्लीट होने के स्टेज पे आ चुके हैं। जैसे कि गाड़ी की हेडलाइट देखेंगे, गाड़ी की हेडलाइट हमने एलईडी लगा दी है, 250 वॉट की एलईडी लगा दी है जिमर की, 18 महीने की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ, बहुत एवन लाइट रहने वाली है साथ में। बाकी गाड़ी की लाइट का रिस्पॉन्स कुछ मैं आपको चेक कराऊंगा एट द एंड ऑफ द वर्क, लेकिन अभी जो गाड़ी के फ्रंट पर काम होता है, इसकी फॉगलाइट पर हमने मिंडा की फॉगलाइट लगाई गई है साथ में, बंद करो एलईडी, मिंडा की फॉगलाइट लगाई है साथ में, हमने ग्रिल गार्निश लगा दिया अगर आप देखें, जो कि जेन्युइन मारुति का पार्ट आता है भैया। साथ में फ्रंट साइड से जो गाड़ी में काम होता है, हमारी रियर फ्रंट स्किड प्लेट लगाया गया था जो कि जेन्युइन मारुति का पार्ट होता है, साथ में ग्रिल गार्निश लगाई है। फ्रंट से कुछ यही अपग्रेड रहने वाले, फॉगलाइट गार्निश, MRP 650, फ्रंट रियर स्किड प्लेट जिसकी कॉस्टिंग 1800 पड़ती है, ग्रिल गार्निश जिसकी MRP 690 होती है, ये रहने वाला है फ्रंट का प्रोफाइल जो रहेगा। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे, अब चलते हैं भैया गाड़ी के साइड प्रोफाइल से, सारी गाड़ी के साइड प्रोफाइल जो काम हुआ है इसका आप देखेंगे तो, सबसे पहले तो रेन वाइजर पे रहने वाला है, यहाँ पे देखेंगे रेन वाइजर, यहाँ पे जेन्युइन मारुति का पार्ट आता है भैया, रेनबो का आपको लोगो मिल जाएगा, ये इसका मारुति जेन्युइन पार्ट का निशान रहता है जिसकी MRP 2250 होती है। साथ में लोअर विंडो फ्रेम किट रहने वाला है जिसकी, ये देखेंगे लोअर विंडो फ्रेम किट, ये वाला क्रोम होता है, जेन्युइन की पहचान भैया 6 पीसेज में आता है, आफ्टर मार्केट यहाँ पे कट आ जाता है, इसकी कॉस्टिंग भी 2250, उस पर 20% ऑफ रहेगा। साथ में साइड बिडिंग ये देखेंगे, यहाँ पे भी आपको जेन्युइन मारुति का ये लोगो मिल जाएगा माउंटेन, अगेन इसकी कॉस्टिंग 2250, इस पर 20% ऑफ रहने वाला है। साथ में एक हमने फुटरेस लगाया भी है गाड़ी में, फुटरेस आप देखेंगे जिसपे भी काम करने वाले, ये सब अभी मैं आपको चेक कराऊंगा। साइड प्रोफाइल से गाड़ी पूरी पैक्ड हो चुकी है, आप देखोगे तो हर चीज लगा देगा जो लग सकता है गाड़ी के अंदर। साथ में अभी अलॉय भी लगना बाकी, अलॉय भी लगेगा इस गाड़ी में जो कि जेन्युइन मारुति का टॉप मॉडल आता है डायमंड कट वाला, वही लगने वाला है। साथ में चलते गाड़ी के बैक साइड में, तो बैक साइड से गाड़ी में काम हो रहा है वो इसके, आप देखोगे तो ये वो बैक साइड का प्रोफाइल ये रहने वाला है, बैक साइड से जो काम होगा भैया सबसे पहले रिफ्लेक्टर्स पे रहने वाला है जो कि स्कैनिंग और रिफ्लेक्टर रहेगा। साथ में रियर स्किड प्लेट पे वर्किंग होगी, आप देख लो रियर स्किड प्लेट लगाया गया है, साथ में रिफ्लेक्टर, एक रियर मिड गार्निश जो आता है जेन्युइन मारुति का पार्ट, 690 लेस 20% ऑफ रहता है इस पार्ट पे भी। साथ में कैमरे की प्लेसमेंट अगेन OEM प्लेसमेंट पे ही की गई है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कैमरे की प्लेसमेंट रहने वाली है। आप चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ, गाड़ी के अंदर आप देखो लगभग गाड़ी पैक हो चुकी है पूरी, कंप्लीशन के स्टेज पे ये गाड़ी, सारे दरवाजे पैक कर दिए गए हैं, सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ है ड्राइवर वाला, वो हमारे लिए खुला था, डबल लेयर की डैम्पिंग हुई, यॉन्कर्स की डैम्पिंग हुई, डबल लेयर ड्यूल डोन डैम्पिंग हुई, जिसके अंदर देखेंगे तो ये डैम्पिंग का इंपैक्ट भैया मारुति की गाड़ी में डैम्पिंग का और किसी भी गाड़ी में डैम्पिंग का एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये देख लो डबल लेयर डैम्पिंग ये रहने वाली है, प्रॉपरली 8 फीट की डैम्पिंग की गई है गाड़ी के अंदर। साथ में गाड़ी में हमने आगे लगाए रेफरेंस कॉम्पोनेंट्स, रेफरेंस जो इन्फिनिटी हर्बन की अच्छी सीरीज आती है, साथ में पीछे हमने लगाया रेफरेंस को एक्सल स्पीकर्स, गाड़ी में प्रॉपरली भैया 18 एलईडी की एम्बियंस लाइट लगाई गई है, स्टीयरिंग ऑलरेडी चेंज हो चुका है, एंड्रॉयड लगाया है, डैशबोर्ड की लगाया है, सीट कवर, हर एक चीज़ कंप्लीशन करने वाले हैं। गाड़ी को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊँ क्या लुक आता है गाड़ी का, क्या निकल के आई है गाड़ी, ये आप देख लो भैया हमारी ब्रेजा का सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। कुछ गाड़ी का फ्रंट लुक देख लो ये रहने वाला है, गाड़ी के फ्रंट से जो काम होता है, फ्रंट स्किड प्लेट लगाया भैया जो कि जेन्युइन मारुति का पार्ट रहता है, जिसकी कॉस्टिंग जो आती है 1800 आती है विद इंस्टॉलेशन। साथ में जो गाड़ी में काम हुआ भैया ग्रिल गार्निश पे हुआ है, जिसकी कॉस्टिंग 690 MRP आती है जो कि जेन्युइन मारुति का वाला है, इस पर 20% ऑफ आप लोगों को मिलेगा जब भी आप हमारे पास आओगे। साथ में जो गाड़ी में काम होता है भैया मिंडा की फॉगेट लगाई गई है, उसमें 60 वॉट की LED, साथ में फॉगेट की गार्निश लगाई है जो कि जेन्युइन मारुति का पार्ट होता है भैया, 650 इसकी MRP होती है, 20% ऑफ आता है। हेडलाइट में हमने लगाया 250 वॉट की LED, जिसकी लाइट का रिस्पॉन्स मैं आपको चेक करा देता हूँ अभी। अभी आप देख लो भैया गाड़ी की सारी लाइटें जो है बंद है, ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता, मैं जलाता हूँ आपको, ये आप देख लो गाड़ी की लाइट का रिस्पॉन्स। A1 लाइट है भैया, ट्राइड एंड टेस्टेड लाइट होती है हेडलाइट के अंदर, 250 वॉट की LED, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, बहुत A1 चीज है। साथ में जो गाड़ी में काम होता है हमारे ORVM पे रहने वाला है, आपको पता है जो इसके बेस मॉडल में अलेक्साई में ORVM मतलब वो नॉर्मल फोल्डिंग ORVM था, लेकिन हमने इसको ORVM हटा के नया ORVM लगा दिया, ढक्कन जो ज्यादा भैया का पहले का वाला लगा दिया जो भैया व्हाइट कलर बॉडी कलर आता है। अगर आप देखोगे गाड़ी मैं लॉक कर दूं, ORVM हमारा फोल्ड हो गया, गाड़ी अगर मैं अनलॉक कर दूं ORVM हमारा अनफोल्ड हो जाता है। साथ में अगर इसका हमने ORVM एक स्विच भी लगा दिया जो मैं आप दिखा देता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ से इस गाड़ी को शीशे फोल्ड कर दूँ फोल्ड हो जाता है, इसके ओरिजिनल स्विच सही है, अगर मैं गाड़ी को शीशे अनलॉक अनफोल्ड कर दूँ अनफोल्ड हो जाता है,
ये हमारा ORVM स्विच रहता है, जेन्युइन मारुति का पार्ट है, तो इसी के अंदर हम लगा के देते हैं VIP गाड़ी के अंदर। साथ में साइड प्रोफाइल से जो गाड़ी में काम होता है हमारे रेंज रोवर पे रहने वाला, जो कि आप देखेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमारी तरफ से, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ये देखोगे तो आप। साथ में जो गाड़ी का साइड प्रोफाइल से लुक है वो ये रहने वाला है, आप देख लो गाड़ी के साइड से जो काम होता है इसके व्हील आर्च पे रहने वाला है। मैंने जेट ब्लैक व्हील आर्च लगवाया, इसके अंदर अपने पास सिल्वर का भी ऑप्शन है, भैया कोई ब्लैक ब्लैक चाहिए इसलिए ब्लैक लगा के दिया। ये भी जेन्युइन मारुति का पार्ट आता है, इस पे 1990 इसके MRP आती है, 20% ऑफ आता है भैया। साथ में एक रेन वाइजर लगाया गया जो कि अगेन जेन्युइन मारुति का पार्ट है, यहाँ पे आपको रेंज रोवर मिल जाएगा, इस पे भी 20% ऑफ मिल जाएगा, इसकी MRP जो होती है 2250 रुपये होती है। साथ में एक विंडो फ्रेम किट लगाया है जो कि जेन्युइन की पहचान भैया, 6 पीसेस का सेट आता है, देखोगे तो यहाँ पे 6 पीस है, ये भी जेन्युइन मारुति का पार्ट है। साथ में एक साइड बीडिंग लगाया है जेन्युइन मारुति का पार्ट, जो कि अगेन हमारे 2250 रुपये, 20% ऑफ। एक भैया का साइड फुटरेस्ट लगा के दिया है, L&T ब्रांड का भी है, A1 क्वालिटी का रहने वाला है ये, इस पर आप एक आदमी दो आदमी चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो दो आदमी चढ़े हुए हैं भैया, दो बच्चे चढ़े हुए हैं इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, कूद हुए कूद मत भाई, दोनों आदमी चढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जा वापस आ जा। तो ये इसकी स्ट्रेंथ दिखाता है, बहुत एवन मजबूत चीज़ रहने वाली है। अलॉय रह गया, अलॉय भैया कल लगवाएंगे, थोड़ा डिले लेट हो गया भैया, लेट आए थे तो अलॉय का काम जो होगा कल होने वाला है, बाकी जो काम होगा मैं आपको सारा कवर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर ही। अब चढ़ते हैं भैया गाड़ी के अंदर की तरफ, सबसे पहले गाड़ी के डोर्स पे आपकी नजर जाएगी, आप देख लो गाड़ी के दरवाजे का ये लुक रहने वाला है। इसमें भैया ब्लैक विद कॉफी के अंदर भैया यहाँ पे कुशनिंग करवाई है, साइड पैनल लेदर भी यहाँ पे कुशनिंग करके दिया भैया को, अगर दरवाजे पे हाथ लगेंगे तो थोड़ा कुशन मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा आप देखोगे तो। बाकी दरवाजे का कुछ ये लुक रहने वाला है, गाड़ी में प्रॉपरली डबल एयर की डैम्पिंग हुई थी, ये डैम्पिंग का इम्पैक्ट देख लो भैया, बहुत हैवी डैम्पिंग हो जाती है दरवाजे में, डैम्पिंग हो जाती है। साथ में 18 पीस की K3 की लाइट लगाई गई है, अगर आप देखोगे तो 4 दरवाजे, 18 पीस कहाँ का मैं बता देता हूँ, 4 दरवाजे, 2 डैशबोर्ड हमारे हो जाते हैं, 1 और 1 2, 4 हमारे बूट्स में जाते हैं, 4 दरवाजे, 2 डैशबोर्ड, 6 4 बूट्स में जाते हैं, अगर आप देखेंगे फुटवेल्स में आ जाते हैं 14 पीस, साथ में 4 हमारे इनर हैंडल्स में आ जाते हैं जो कि आप ये देखेंगे, और 4 हमारे ग्रब बोटल होल्डर्स में आ जाते हैं, और 18 पीस का एम्बियंस लाइट लगाई है जिसका लाइट का रिस्पॉन्स कुछ ये देख लो आप। बाकी मैं अंदर बैठ के भी आपको दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर। साथ में जो डैशबोर्ड किट पर वर्किंग हुई है, 7 पीसेस का डैशबोर्ड किट जो कि जेन्युइन मारुति का पार्ट आता है, 7 पीस का सेट जो कि 2800 रुपये का आता है, इन्हें हैंडल लगा दिया गया है जो कि 900 रुपये का, 4 पीस आते हैं अपने जेन्युइन मारुति का पार्ट, ये भी आता है। अब चलते हुए गाड़ी के इंटीरियर, आप देखो गाड़ी का इंटीरियर कुछ ये लुक रहने वाला है, साइड दरवाजे कॉफी कलर हो गया, यहाँ पे कुशनिंग आ गई है जैसे कि आप देखेंगे तो, एम्बियंस लाइट का लुक ये देख लो आप, 18 पीस के एम्बियंस ये रहने वाली है। साथ में डैशबोर्ड किट ओरिजिनल मारुति 7 पीस का सेट जो हमारा आता है नागिन के समेत, जिसकी कॉस्टिंग 2800 रुपये आती है। स्टीयरिंग चेंज कर दिया भैया, टॉप बनकर स्टीयरिंग लगा दिया जिसकी कॉस्टिंग आपको बता दिया 3500 रुपये विद आउट, जब मर्जी आओ 3500 में आपको स्टीयरिंग लगा के देगा आपका भाई, खाली स्टीयरिंग लगाने हैं, खाली स्टीयरिंग में लगा के दूंगा मैं 3500 रुपये के अंदर ही, कोई लोकल पार्ट नहीं है, कोई खिलवाड़ नहीं है। ये आपने देख लिया भैया स्टीयरिंग टॉप मॉडल ZXI प्लस वाला स्टीयरिंग देख लिया, साथ में डैशबोर्ड की ये सब देख लिया आपने, इंटीरियर जो था गाड़ी का अपना ठीक है, कॉफी कलर के अंदर एम्बियंस लाइट का लुक आपने देख लिया। साथ जो गाड़ी में काम हुआ हमारे सनग्लास होल्डर पे रहने वाला, देख लो सनग्लास होल्डर न्यू ब्रेजा का, आप कहीं से भी करवा लेना ये फिटिंग, ये इसकी हमारी गारंटी है, ये नहीं आने वाला भैया कहीं पे भी आपको मिलने वाला, ये फिटमेंट कई लोग बोलते हैं फिटिंग में इशू आता है, आप देख लो कहीं कोई फिटिंग में इशू नहीं है। साथ में बहुत सारी जगह मिल जाती है आपको, और यहाँ पे आपको प्रॉपर हर चीज मिल जाती है, ये भी डोर खुला हुआ है, पीछे का डिक्की खुली है इसलिए ये जल रहा है, डिक्की जैसी भैया बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। साथ में आप सीट कवर देखेंगे तो भैया ब्लैक विद कॉफी के अंदर मैंने सीट कवर बनवाया है, अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये देख लो आप फिटिंग, फुल थाई सपोर्ट के अंदर रहने वाला, ये हमारा ट्रेडवर्क रहता है भैया थाई सपोर्ट, लाइफ टाइम गारंटी का सीट कवर है, जब मर्जी आप आओ सीट कवर की लाइफ टाइम गारंटी है ठीक है। इसमें इनर हैंडल की कॉस्टिंग आपको बता चुका था 900 रुपये, डैशबोर्ड की 2800 रुपये, स्टीयरिंग 3500 रुपये, सीट कवर ये वाले जो हमारे होते हैं थाई सपोर्ट वाले, इसकी कॉस्टिंग 7500 रुपीज होती है। बाकी जेन्युइन मारुति का हमारा आर्मरेस्ट रहेगा, देख लो आप आर्मरेस्ट लगा के दिया भैया को, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट होता है आप लोगों को पता ही है, यहाँ से आपको ऊपर नीचे इतने वो मिल जाती है, हाथ में वो मिल जाता है, साथ में रियर में USB लगा के दी है। आमने जो था हमारा भी 2800 रुपये कॉस्टिंग थी। बैक साइड जो गाड़ी का लुक रहने वाला ये रहेगा भैया, देख लो कंप्लीशन के बाद रियर स्किड प्लेट लगा दिया गया, रिफ्लेक्टर्स लगा दिया गया, रियर मिड गार्निश लगा दिया, कंप्लीट हो गया गाड़ी, स्कैनिंग मोड रिफ्लेक्टर जब गाड़ी स्कैन करेंगे तो वहाँ पे उस तरफ जाएगा ये। बाकी चलते हैं भैया के फीडबैक की तरफ, जो भैया हमारे गाड़ी का उन्होंने, भैया क्या नाम है अपना? रजत चावला। कहाँ से आए थे भैया? टैगोर गार्डन से भैया। दिल्ली लोकल। कितना खर्चा आ गया जो सोच के आए थे वो सब हो पाया नहीं हो पाया? सब कुछ हो गया है, बहुत बढ़िया लगा, नेचर भैया का बहुत अच्छा है, बिट्टू भैया की सबसे बड़ी बात है कि हसमुख नेचर है इनका जी, तो काम मेरा सारा अच्छा हुआ है, और कंपनी का ब्रांडेड सामान लगा है, सारा मारुति का लगा है, और मैंने चेक भी करवाया है, मैंने बैच नंबर देखे अपने एक दोस्त से चेक भी करवाया मारुति में, तो काम एकदम मेरा जेन्युइन हुआ है,
भैया रेट में भी अच्छा डिस्काउंट। अंदाजा क्या कॉस्ट आ गया भैया? अंदाजा भैया मेरा लाख रुपए के आसपास में सारा काम इतना आ गया। यस, बाकी काम में कोई दिक्कत तो नहीं भैया अभी तक? काम में कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई कंप्लेंट नहीं है। और सब लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पर आए और इनका चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कितने बजे आए थे भैया? भैया मैं आया था तकरीबन आपके पास 2:30 बजे। अब जा रहे हो कितने बजे? अब भैया मेरे पास टाइम हो रहा है वही 8 बजे के आसपास, 6 घंटे के आसपास लग गया। यस भैया 6 घंटे लग गया। जेन्युइनिटी थी भैया, आपने जो सामान लगवाया अपनी गाड़ी, जो सोच के था सब जेन्युइन मिल गया? बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरे सामने लगा सारा का सारा सामान। और इवन मैं थोड़ी देर के लिए कहीं चला भी गया था तो वो सामान एज इट इज लगता रहा और सारा ओरिजिनल काम। और इनकी लेबर के लिए मैं थम्स अप करना चाहूंगा कि जो इनकी लेबर है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। स्टाफ बिहेवियर ठीक था? स्टाफ बिहेवियर 5 में से 5 रेटिंग है इनको और बहुत बढ़िया रहा सर। आप सब आइए और यहाँ से अपना ब्रेजा का काम करवाइए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।